जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, स्वभाव की विभिन्नता के कारण साधना के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी मार्गों का गंतव्य एक ही है। सभी प्रकार की साधनाओं का परिणामी तत्व एक है, इसीलिए कोई भी साधक बड़ा या छोटा कैसे हो सकता है। प्रिय भक्तों, श्री रामदास काठिया बाबा का यह दिव्य चरित्र अलौकिक घटनाओं एवं शिक्षाओं से परिपूर्ण है। इसे पूरा अवश्य सुने और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे साधकों को भी यथा योग्य लाभ प्राप्त हो सके। उत्तराखंड की शीतकालीन अर्धरात्रि है। पर्वतों पर बर्फ छाई हुई है। देवदार और चीड़ के वृक्षों की शाखाओं से बर्फ के कण टप टप कर गिर रहे हैं। धोनी के सामने ध्यान मग्न बैठे एक महात्मा की झोपड़ी पर, झोपड़ी के द्वार पर नग्न खड़े एक नवीन तपस्वी थर थर कांप रहे हैं। उनके कंपन का कारण बाहर की शीत उतना नहीं है, जितना झोपड़ी के भीतर बैठे महात्मा का भय है। वे उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, पर कहने का साहस नहीं बटोर पा रहे हैं। आखिर उन्होंने डरते डरते धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, गुरुदेव। भीतर से ध्वनित हुई गुरु गंभीर कंठ की गर्जन, क्या है रे? महाराज, मेरी धुनी की अग्नि बुझ गई है, अपनी धुनी से कुछ देने की कृपा करें तो जला लूं। अग्नि बुझ गई है, यह नहीं कहता कि मैं सो गया था। जागते रहने से कहीं अग्नि बुझती है? ऐसे खाना और सोना था तो माँ बाप को छोड़कर क्यों आया था? जा, अग्नि नहीं मिलेगी, शीत में खड़ा रहकर अपने तामसी आलस्य का दंड भोग। तरुण तपस्वी कुछ देर तक उस प्राणांतक शीत में खड़े ठिठुरते रहे। तब हठात झोपड़ी का द्वार खुला। महात्मा ने अपनी धुनी में से कुछ अंगारे बाहर फेंकते हुए तीक्ष्ण कंठ से कहा, सावधान, अब ऐसी त्रुटि कभी न हो। नूतन समाधि प्राप्त कर तरुण तपस्वी ने अपनी धुनी फिर प्रज्वलित की और ध्यान में बैठ गए। झोपड़ी के भीतर बैठे महात्मा हैं निम्बार्क संप्रदाय की नागा जी की शाखा के शक्तिशाली आचार्य श्री देवदासी महाराज और तरुण सन्यासी हैं वृंदावन के श्री रामदास काठिया बाबा। श्री रामदास बाबा का जन्म अमृतसर के एक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब वे 7-8 वर्ष के ही थे, अपनी माँ के साथ अपने घर के निकट एक परमहंस सन्यासी के आश्रम पर जाया करते थे। एक दिन उन्होंने परमहंस जी से पूछा, महाराज, आप सबसे बड़े हैं, आपको सब लोग दंडवत करते हैं, आपकी सेवा पूजा करते हैं, आप इतने बड़े कैसे हो गए? परमहंस 7-8 वर्ष के इस बालक का यह प्रश्न सुनकर चकित रह गए। प्यार से उसकी ठोड़ी पकड़कर बोले, बेटा, मैं सदा परम पवित्र राम नाम जप करता हूँ। मंगलमय राम नाम ने ही मुझे छोटे से बड़ा कर दिया। तुम भी राम नाम जप करो तो बड़े हो सकते हो। उस दिन से बालक रामदास घर की भैंस चराने जाता या घर के खेतों की रखवाली करता होता तो बराबर राम नाम जपता रहता। उपनयन संस्कार के पश्चात रामदास के पिता ने उसे शास्त्र अध्ययन के लिए निकट के एक ग्राम में एक आचार्य के घर भेज दिया। 8-9 वर्ष गुरु गृह रहकर विभिन्न शास्त्र पाठ समाप्त करने के पश्चात जब वह घर लौटा तो पिता उसके विवाह की व्यवस्था करने लगे, पर उसने विवाह करने से इनकार कर दिया और आजन्म ब्रह्मचारी रहकर अध्यात्म जीवन व्यतीत करने के अपने संकल्प की घोषणा की। आत्मीयजनों की भर्त्सना और उनके अश्रु उसे अपने इस संकल्प से विच्युत न कर सके। प्रिय भक्तों, ग्राम में एक विशाल वटवृक्ष था, उसके नीचे बैठकर रामदास ने गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। उद्देश्य था गायत्री मंत्र में सिद्धि प्राप्त करने का। 1,00,000 जप समाप्त कर चुकने के पश्चात एक दिन सुनी एक दिव्य वाणी, वत्स, तुम अवशिष्ट 25,000 जप संपूर्ण करो, जागृत महातीर्थ ज्वालामुखी में जाकर तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी। रामदास जी ज्वालामुखी की ओर चल पड़े, पर मार्ग में उन्हें दर्शन हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे जटाजूटधारी दिव्य श्रीमंडित एक सन्यासी के। अमोघ आकर्षण था उनका। उन्हें लगा कि वे न जाने कब के उनके अपने हैं। भावाविष्ट हो वे उनके चरणों में गिर पड़े। ज्वालामुखी जाने का अपना संकल्प त्याग दिया और व्यग्र भाव से महापुरुष के निकट मंत्र और संन्यास दीक्षा देने का आग्रह करने लगे। शुभ मुहूर्त में महापुरुष ने उन्हें दीक्षा देकर गृहस्थ जीवन के बंधन से मुक्त किया।
पर रामदास जी माता पिता के आग्रह से घर से बाहर ग्राम में ही एक वटवृक्ष के नीचे रहकर भजन करने लगे। एक दिन अर्धरात्रि के समय जब वे वृक्ष के नीचे ध्यान और जप में लीन थे, अकस्मात आकाश मंडल से एक स्वर्गीय ज्योति उद्भासित हुई। स्वयं गायत्री देवी तरुण सन्यासी के सम्मुख प्रकट होकर बोली, वत्स, तुम गायत्री मंत्र में सिद्ध हो गए। जिस वर की इच्छा हो प्रार्थना करो। हाथ जोड़कर रामदास ने उत्तर दिया, माँ, मैं सन्यासी हूँ। मेरी कामना वासना का अब प्रश्न ही क्या। मैं केवल यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्रति सदा प्रसन्न रहें। तथास्तु, कह देवी अंतर्धान हो गई। गुरुदेव की आज्ञा से अब रामदास ने सदा के लिए ग्राम छोड़कर परिव्राजक का जीवन प्रारंभ किया। घूमते घूमते एक दिन उन्होंने किसी राजा के राज्य में प्रवेश किया। यहाँ की रानी एक रूपवती विधवा तरुणी थी। रामदास जी को महल में बुलाकर वह उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे उनके प्रति आकृष्ट हो उसने एक दिन उनसे अपने मन की बात कही। अपने यौवन और अपनी विपुल संपत्ति का भोग करने के लिए उनसे बार बार अनुरोध करने लगी। उसी क्षण वे राज प्रासाद से निकलकर राज्य की सीमा से बाहर हो गई। परिव्रजन करते करते रामदास उत्तराखंड के गहन बनीय क्षेत्र में गुरुदेव श्री देवदास जी से जा मिले। गुरुदेव की एक निष्ठ सेवा में उन्होंने आत्मनियोग किया। उनके निर्देश में कृच्छ साधना के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन के एक स्तर से दूसरे पर आरोहण आरंभ किया। गुरुदेव ने उन्हें कभी पंचाग्नि में तपाकर, कभी प्रचंड शीत में गलाकर, कभी एक आसन पर निराहार 8-8 दिन तक बैठे रहकर जपाद करने की आज्ञा देकर क्रमशः आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम शिखर तक उन्नत किया। देवदास जी अपरमेय योग शक्ति के अधिकारी थे। उनकी योग विभूतियां एक एक कर रामदास के सामने उद्घाटित होने लगी। उन्होंने देखा कि वे एक आसन पर 6 महीने तक जड़ समाधि में मग्न रहते हैं। उनका आहार है केवल धुनी की भस्म मिला हुआ एक कमंडलू जल, जिसे भी उल्टी कर वे सबका सब बाहर निकाल देते हैं। पर कभी कभी जब उनकी जठराग्नि प्रज्वलित होती है तो आधा मन दूध एक साथ गटगट कर पी जाने पर भी उनकी क्षुधा शांत नहीं होती। प्रिय भक्तों, एक बार देवदास जी शिष्य मंडली के साथ घूमते घूमते मध्य भारत में भूपाल ताल पहुँचे। भूपाल ताल के तीर पर अवस्थान कर उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी कि कुछ दूर जाकर ठहर जाएं। भूपाल ताल के उस पार था मुसलमान नवाब का विशाल महल। नवाब ने भूपाल ताल के निकट शंख ध्वनि न करने की आज्ञा कर रखी थी और घोषणा कर रखी थी कि जो कोई भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, अवहेलना करेगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। देवदास जी ने ताल के किनारे खड़े होकर बार बार घोर शंख निनाद आरंभ किया। नवाब के पास सूचना पहुँचते ही उसने उनका सिर काट लाने की आज्ञा दे दी। पर नवाब के अनुचर जब बाबा के आसन के निकट पहुँचे तो यह देखकर अवाक रह गए कि वहाँ कोई साधु नहीं, बल्कि साधु का कटा हुआ मस्तक, छिन्न भिन्न अंग और रक्त पड़ा हुआ है। अनुचरों ने जैसे ही नवाब को जाकर यह सूचना दी, फिर सुनाई पड़ने लगी वही प्रचंड शंख ध्वनि। इस बार जब प्रहरी वहाँ गए तो यह देखकर और भी विस्मय में पड़ गए कि वह खंडित मस्तक और छिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग भी अब वहाँ नहीं है और रक्त का कोई चिन्ह भी वहाँ नहीं है। यह सूचना पाकर नवाब के मन में भय और भक्ति का एक साथ संचार हुआ। वह जान गया कि यह किसी विशेष शक्तिधर महात्मा का कार्य है। शीघ्र वह सेवकों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर पहुँचा। यह देखकर अवाक रह गया कि वहाँ एक जटाजूटधारी तेजोदीप्त सन्यासी ध्यान आसन पर विराजमान है। योगीवर को प्रणाम कर नवाब ने बार बार क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने प्रशांत कंठ से कहा, देखो तुम मुसलमान हो, अपने धर्म का आचरण करो, दूसरों को भी अपने धर्म का आचरण करने दो। शंख घंटा न बजाने देना दूसरों के धर्म में बाधा डालना है, अपनी इस अन्याय घोषणा को वापस लो। नवाब ने योगीवर के आदेश को आनंद स्वीकार किया। पीछे भूपाल तीर पर ही महात्मा देवदास जी ने एक देव मंदिर का निर्माण किया। रामदास जी उत्तर काल में इस मंदिर को अपना गुरुद्वारा कहा करते। प्रिय भक्तों, एक दिन देवदास जी ने रामदास को आदेश दिया द्वारका धाम दर्शन कराने का। वे गए द्वारका धाम और इधर गुरुदेव ने पार्थिव शरीर छोड़ दिया।
द्वारका से लौटकर जब उन्होंने गुरुदेव के शून्य आसन को देखा तो उनके शोक की सीमा न रही। वे उन्मत्त प्राय हो गए और लगे रुदन करने। अनाहार, अनिद्रा और निरंतर क्रंदन में 7 दिन बीत गए। तब देवदास जी की ज्योतिर्मय मूर्ति आविर्भूत हुई शोकार्त शिष्य के सामने। स्नेह भरे कंठ से सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, वत्स, तुम क्यों इतना शोक करते हो? मेरी मृत्यु कब हुई है? केवल मर जीवन की मेरी लीला समाप्त हुई है। इससे मेरे और तुम्हारे बीच कुछ व्यवधान नहीं पड़ा है। मैं आवश्यकता अनुसार तुम्हें बीच बीच में दर्शन देता रहूंगा। शांत हो। प्यारे भक्तों, इसी समय से रामदास जी का श्री रामदास काठिया बाबा के रूप में अभ्युदय होने लगा। गुरुदेव ने उन्हें एक काट का आड़बंध और लंगोट पहना दिया था, इसी से उनका नाम पड़ा काठिया बाबा। उन्होंने उन्हें कृच्छ साधना के दुर्गम पथ से ले जाकर एक ऐसे उन्नत स्थान पर खड़ा कर दिया था जहां उन्हें उनकी सारी दैवी संपद उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई थी। उनके जीवन में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटने लगी थीं जैसी गुरुदेव के जीवन में घटा करती थी। एक बार वे एक ग्राम में पंच धुनी प्रज्वलित कर ध्यान में बैठे थे। उनके साथ थे एक और सन्यासी जो उनकी ख्याति के कारण उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने ध्यानस्थ रामदास बाबा के चारों ओर सहस्त्रों उपलों के ढेर लगाकर उनमें आग लगा दी। बाह्य ज्ञान रहित बाबा के चारों ओर अग्नि धू धू कर जलने लगी। सन्यासी लापता हो गए। ग्रामवासी अग्नि सिराओं को देख दौड़ पड़े। उनकी धारणा थी कि साधु बाबा का शरीर अवश्य भस्मीभूत हो गया होगा, पर अग्नि हटाने पर उन्होंने देखा एक आश्चर्यजनक दृश्य। काठिया बाबा योग युक्त अवस्था में प्रशांत वदन अपने आसन पर बैठे हैं। उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ है। किसी ने उनसे इसका रहस्य पूछा तो वे बोले, पंच धुनी जलाकर ध्यान में बैठने के पूर्व साधक को आत्मरक्षा का मंत्र चैतन्य कर लेना होता है। थोड़ी देर चुप रहकर फिर कुछ मुस्कुराते हुए बोले, जिसका देह अग्नि में दग्ध हो जाए वह योगी नहीं है। एक बार वे यमुना जी के किनारे किनारे आगरा की ओर चले जा रहे थे। उस समय सिपाहियों का विद्रोह चल रहा था। गोरे सैनिकों के एक जहाज ने यमुना में लंगर डाल रखा था। जटाजूटधारी काठिया बाबा को देखकर सैनिक ने उन पर बंदूक दाग दी। गोली उनके कान के पास से निकल गई, पर बाबा ने उनका कोई विरोध नहीं किया। सैनिक ने फिर बंदूक उठाई। यह देख उन्होंने नेत्र बंद किए और एक क्षण के लिए अंतर्धान होकर पता नहीं क्या किया कि उसकी बंदूक छूटकर यमुना जी में जा गिरी। तब गोरे सैनिकों की आंखें खुली। उन्होंने समझ लिया कि वे कोई शक्तिधर महापुरुष हैं। उन्होंने जहाज से उतरकर टोपी सिर से उतारते हुए उनका अभिवादन किया और क्षमा मांगी। परिवर्जन करते हुए काठिया बाबा भरतपुर पहुंचे। वहां अनायास उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी। उन्हें सायलानिका कुंड के निकट अपने उपास्य देव श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। प्रिय भक्तों, भरतपुर के ईश्वर दर्शन के पश्चात प्रारंभ हुआ काठिया बाबा का आचार्य जीवन। गरीबदास, भगवानदास, ठाकुरदास और नरोत्तमदास आदि उनके कई शिष्य हुए। धीरे धीरे असंख्य शिष्यों ने उनका आश्रय ग्रहण किया, जिनमें अधिकांश बांग्लादेश के थे। शिष्यों की संख्या बढ़ने पर आवश्यक हो गया उनका कहीं आश्रम बनाकर स्थायी रूप से रहना। उन्होंने वृंदावन में आश्रम बनाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम वहाँ गंगा जी के कुब्ज के निकट वाले घाट पर वटवृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। कुछ दिन बाद कौमारवन अंचल में एक बगीचे में फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे उस झोपड़ी ने एक विशाल आश्रम का रूप धारण कर लिया, जो आजकल श्री रामदास काठिया बाबा के आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। शिष्यों के प्रति श्री रामदास काठिया बाबा की दृष्टि सदा तीक्ष्ण और सजग रहती। एक बार उनके शिष्य श्री प्रेमदास उनका सानिध्य त्याग कर कहीं अन्यत्र चले गए। कुछ दिन बाद अनुतप्त हो वे आश्रम लौटे। उस समय बाबा आसन पर लेटे विश्राम कर रहे थे। प्रेमदास उनके निकट जाकर बैठ गए और धीरे धीरे पद सेवा करने लगे। पर यह वे क्या देख रहे हैं, उनका हाथ बाबा जी के चरणों पर नहीं शून्य सैया पर पड़ रहा है। बाबा तो सैया पर हैं ही नहीं। गुरु जी के आकस्मिक अंतर्ध्यान से उनका हृदय रो पड़ा, पर थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि उनका शरीर सैया पर लौट आया है और वे पूर्ववत निश्चल भाव से विश्राम करते हुए उनसे कह रहे हैं, क्यों रे, मेरे इस प्रकार चले जाने से यदि तुझे सुख हो तो मैं चला जाऊं,
इस बूढ़े को छोड़कर यदि तू इधर उधर भागता फिरेगा तो इसकी सेवा कौन करेगा, बता। प्रेमदास अवाक, वे समझ गए कि महासमर्थ गुरुदेव की क्रियाकलाप को न समझने के कारण उनका उन्हें छोड़ जाना उचित नहीं था। तब से वे उन्हें छोड़कर फिर कहीं नहीं गए। प्रिय भक्तों, संतदास काठिया बाबा के प्रधान शिष्य थे। उनका पूर्वाश्रम का नाम तारा किशोर चौधरी था। वे एक वकील थे। उस समय उन्होंने बाबा के केवल दो एक बार दर्शन किए थे, दीक्षा नहीं ली थी। बाबा ने उनसे कहा था रात्रि के चतुर्थ प्रहर में ध्यान करने को, किंतु पूर्व अभ्यास के कारण उनका उस समय जागना कठिन था। एक दिन शेष रात्रि में जब वे सो रहे थे, उन्होंने सुना कि कोई कह रहा है, ओरे उठ उठ। उसी समय उनके ऊपर आ गिरा एक ईंट का टुकड़ा। तारा किशोर बाबू चौंक कर उठ बैठे। देखा मसहरी में कहीं भी कोई फांक या छेद नहीं है, फिर यह ईंट कहाँ से आई। वे समझ गए कि यह बाबा की अहित की कृपा के सिवा और कुछ नहीं है। उस दिन से वे शेष रात्रि में उठकर ध्यान भजन करने लगे। श्री विजयलाल चट्टोपाध्याय तारा किशोर बाबू के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन उनके बैठक खाने में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा दीवार पर लटका एक साधु का चित्र। उन्होंने व्यग्र भाव से उनका परिचय पूछा। तारा किशोर बाबू ने कहा, यह हैं मेरे गुरुदेव, वृंदावन के प्रसिद्ध श्री रामदास काठिया बाबा। तब वे कहने लगे, मैं अभी स्वास्थ्य लाभ करने के लिए सांवताल परगना गया था। मैं जहाँ ठहरा था उसके निकट एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे धुनी के सामने बैठे मैंने 3 दिन बराबर इन महात्मा के दर्शन किए। मैं नित्य इनके पास जाता और यह कितना प्रसन्न होकर मेरा आदर सत्कार करते और कितना कुछ प्यार भरा उपदेश करते। पर उस समय काठिया बाबा अपने स्थूल देह से वृंदावन छोड़कर कहीं गए ही नहीं। कुछ दिन पश्चात तारा किशोर बाबू ने वृंदावन जाकर बाबा से इस संबंध में प्रश्न किया तो वे बोले, बाबा मेरे यहाँ रहते हुए भी बहुत बार मेरी इस मूर्ति के बहुत से लोगों को अन्य स्थानों पर भी दर्शन होते हैं। इसका रहस्य तुम अभी न समझ सकोगे, पीछे सब जान जाओगे। उस बार वृंदावन में कुंभ मेला था। देश देशांतर के सहस्त्रों वैष्णव व्रज धाम में आए हुए थे। सबके समर्थन से श्री जी 108 स्वामी रामदास काठिया बाबा को वृंदावन के महंत और कुंभ मेले के चारों संप्रदाय के श्री महंत के पदों पर नियुक्त किया गया। प्रथानुसार वृंदावन के महंत को प्रत्येक कुंभ मेले में जाना होता है। एक बार बाबा अपनी साधु मंडली के साथ उज्जैन के कुंभ मेले में जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा बहुत से वैष्णव साधुओं की जमातों को मेला क्षेत्र से वापस लौटते। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मेले में एक शक्तिधर शैव सन्यासी आए हैं। उनकी अलौकिक शक्ति और योग विभूतियों को देख उज्जैन के राजा उनकी अनुगत हो गए हैं। इससे उत्साहित हो शैव सन्यासियों ने सारे मेला क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया और वे वैष्णव साधुओं को वह नहीं ठहरने दे रहे हैं। यह सुन बाबा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुम लोग वृथा ही साधु हुए हो। तुमने अपना सिर तो नीचा किया ही, इष्ट देव श्री विष्णु की मर्यादा की हानि भी की। कुंभ मेले में अपने अधिकार के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए था। मर भी जाते तो क्या था, विष्णु भगवान के लिए प्राण विसर्जन करते तो उनके धाम को ही तो जाते। बाबा के तीक्ष्ण वाक्यों को सुनकर सभी वैष्णव साधु चल पड़े मेले में अपने स्थान पर अधिकार करने। आगे आगे हाथी पर समासीन काठिया बाबा महाराज, पीछे पीछे सहस्त्रों वैष्णव साधुओं की फौज। लड़ाई झगड़े के लिए किसी के सामने आने की बात तो दूर, सब भयभीत हो उन स्थानों को छोड़ जिन पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, अपने अपने स्थानों में जा छिपे। न जाने यह काठिया बाबा की अलौकिक शक्ति थी या उनका बिछाया कोई इंद्रजाल, जिसके कारण उनका विरोध करने का किसी का साहस ही नहीं हुआ। काठिया बाबा जैसे शक्तिशाली और पराक्रमी महात्मा थे, वैसे ही क्षमाशील भी थे। उनके आश्रम का रसोईया पुष्कर दास बड़ा अर्थलोभी था। उन्हें अपने बाह्य आचरण में पैसे कौड़ी के मामले में कृपणता का अभिनय करते देख उसे भ्रम हो गया था कि बाबा ने अपने आड़ बंद में बहुत सी असरफियाँ छिपा रखी हैं। उसने उस धन के लोभ से 2 बार उनकी हत्या का षड्यंत्र किया, पर वह सफल न हुआ। यह सब जानकर भी बाबा ने उससे कुछ न कहा। अंतिम बार उसने 2 तोले आर्सेनिक विष रोटी में मिलाकर उन्हें खिला दिया। बाबा को बहुत कष्ट हुआ, वे भूमि पर लोटपोट होने लगे। पेट फूल जाने से काठ के आड़ बंद का दबाव सहन करना कठिन हो गया। सेवकों ने उनकी अनुमति लेकर आड़ बंद काट दिया।
उसी समय कलकत्ते में विजय कृष्ण गोस्वामी ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ जानकर तारा किशोर बाबू से कहा, तुम्हारे गुरुदेव को किसी साधु ने विष दिया है। तारा किशोर बाबू भागे आए वृंदावन। वे यह देखकर चकित रह गए कि वहाँ पुष्करदास अब भी रोग सैया पर लेटे काठिया बाबा के पथ्य आदि की सब व्यवस्था कर रहा है। उनसे न रहा गया, उन्होंने गरज कर कहा, बाबा इस दुरात्मा को इसी समय आश्रम से दूर कर देना है। काठिया बाबा ने शांत भाव से कहा, बेटा अब इसका सब भ्रम जाता रहा। यह समझता था कि मेरे आड़ बंध में बहुत सी असरफियाँ हैं, मुझे मारकर यह असरफियाँ लेना चाहता था। अब आड़बंध कट गया और इसका भ्रम भी मिट गया है। पर पुष्करदास स्वयं ही नतमस्तक सबके सामने आश्रम से चला गया। काठिया बाबा शीघ्र पूर्ण स्वस्थ हो गए। उन शक्तिशाली महापुरुष के लिए रोटी में विष मिला वैसे ही था जैसा आटे में नमक मिलाना। बाबा की योग शक्ति का तो लोगों ने बहुत बार अनुभव किया, पर इन असाधारण योग विभूति संपन्न महापुरुष के अंतर में जो प्रेम यमुना की गुप्त अमृत धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती थी, उसका संधान पाना कठिन था। कभी कभी जब वह बाहर फूट पड़ती थी, उसे देख लोगों को विस्मय होता था। उस दिन आश्रम के ठाकुर श्री बिहारी जी और श्री राधिका जी को लेकर वृंदावन में शोभा यात्रा निकाली गई। हठात देखा गया कि काठिया बाबा के प्रत्येक रोमकूप से प्रवाहित हो रही है स्वेद की धारा। संत दास जी पंखा लेकर उन्हें हवा करने लगे। बाबा बोले, बेटा तुम जो समझ रहे हो वह बात नहीं है, यह गर्मी का पसीना नहीं है जिसका पंखे की हवा से निवारण किया जा सके, यह है एक प्रकार का प्रेम ज्वर। मैंने आज श्री राधा जी के श्री विग्रह के चारों ओर व्रज गोपिकाओं के दर्शन किए हैं, तभी से यह प्रेम ज्वर हो गया है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, एक बार तो लगातार एक मास तक होता रहा, पर तब शरीर से जल एक बिंदु भी नहीं निकला। सारा शरीर प्रेम ज्वर से इतना उत्तप्त था, शरीर के रोम और जटा अहनिश कांटे की तरह खड़े रहते थे। सन 1910 के माघ मास की अष्टमी की मध्य रात्रि में काठिया बाबा ने स्वस्थ अवस्था में सेवक रामफल को बुलाकर पीने के लिए पानी मांगा। पानी पीकर बोले, रामफल ले भाई, तेरे हाथ का जल भी पी लिया, तू जाकर सो जा, अब हम भी जाएंगे। रामफल बाबा के वाक्य का अर्थ नहीं समझ सका, जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद दो और सेवकों की निद्रा भंग हुई। दोनों यह देखकर विस्मय में पड़ गए कि आश्रम का आंगन एक अपूर्व दिव्य ज्योति से परिपूर्ण है। उसी समय वे भागकर गए बाबा के कक्ष में, देखा कि वे आसन पर निष्पंद भाव से उपविष्ट हैं, पर श्वास प्रश्वास बंद है। दो दिन बाद गुरुदेव के परलोक गमन का संवाद प्राप्त कर संत दास जी वृंदावन पहुँचे। उन्होंने देखा कि काठिया बाबा के अदर्शन के कारण आश्रम की गायें निरंतर अश्रु बहा रही हैं और आश्रम के श्री विग्रह श्री राधिका जी के कपोलों से भी टप टप गिर रहा है उनका नयन जल। प्रथानुसार 13वें दिन बाबा का भंडारा किया गया। उस दिन तक बराबर श्री राधिका जी के नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होती रही और दोनों श्री मूर्तियों का मुख मलिन दिखता रहा। भंडारे के पश्चात राधा जी के अश्रु बंद हुए और दोनों मूर्तियों के मुख का मलिन भाव भी जाता रहा। कई दिन लगातार अश्रुधार बहते रहने से राधा जी के नेत्र कुछ विरूप हो गए, उन्हें बदलना पड़ा। श्री रामदास काठिया बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी प्रिय दर्शकों से अनुरोध है कि एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।